Hello friends welcome to paralegal study in this lecture we will analysis our unit 5 that is forest resources so friends in unit 4 we already discussed that uh, land and water are very essential resources so apart from the land and water forest are also very important resources ठीक है तो यूनिट फोर में हमने लैंड एंड वाटर के बारे में अच्छा से अच्छे से देखा था इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट रिसोर्सिस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है कि फॉरेस्ट एज ए रिसोर्सिस का मतलब क्या है तो देखो फॉरेस्ट जो आपको पता है उसमें वैरायटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्यटीज हमें मिलती हैं सच एज द टीम फ्यूल फूड फोडर्स फोडर फौर्डर होता है जो जैसे एनिमल्स जो होते हैं ना उनके लिए जो चारा होता है उसको हम बोलते हैं तो टिम्बर्स फ्यूल फूड फोडर्स फाइबर फ्रूट हर्बल ड्रग्स कॉस्मेटिक एंड अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड बाय द फॉरेस्ट एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि मैमल्स जो ग्रेट वैरायटी में बर्ड्स ये सब भी फॉरेस्ट में रहते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि सी को फ़िक्स करने में ये जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट ही हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना सी ओ टू जो है वो इन्वायरमेंट में कम बचेगी क्यों क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो सी ओ टू को कंज्यूम करते हैं लेते हैं और ऑक्सीजन को वो आ, सप्लाई करते हैं मीस छोड़ते हैं तो अगर हम बात करें कि चाहे पूरी दुनिया में अगर हमें आज के दिन आपको पता है जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और सी ओ टू का जो लेवल है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है सो सी ओ टू के लेवल को अगर हमें डिक्रीज़ करना है क्लाइमेट जो प्रॉब्लम्स है उससे अगर बचना है तो फॉरेस्ट एज ए रिसोर्सेज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकते हैं फॉर फॉर फिक्सिंग द सी ओ टू ठीक है और अदर जो मटेरियल हमने देखी वो तो फॉरेस्ट के लिए बहुत मीन्स प्रोवाइड वो करते ही हैं फॉरेस्ट जो है वो uh, हैबिटेंट uh, होता है मीन्स जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं मेमल्स हैं बर्ड्स हैं और भी बहुत सारे जो जीव जंतु उनके लिए एक बेहतर प्लेस होता है फ़ॉरेस्ट तो अगर फ़ॉरेस्ट को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचता है तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि अदर uh, स्पीशीज को भी उसके साथ साथ नुकसान पहुंचता है फिर अगर उसके कुछ सिग्निफिकेंस उसने अलग अलग रूप में बताए हैं कि इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट की ये हमने देखा कि जो हर्बल uh, जो मेडिसिन मिलती हैं फर्नीचर इसके अलावा uh, लकड़ी तो ये सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं उसके कि इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल फॉरेस्ट इकोलॉजिकल उसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो ऑफ कोर्स जो लाइफ uh, सपोर्टिंग जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट और जो हम मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं एनिमल्स हैं उन सब के लिए एक ट uh, हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करता है ग्लोबल क्लाइमेट को मॉडर्नाइज मोड्रेशन uh, करने में मिस कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी uh, उपयोगिता है मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में इसके अलावा अगर हम बात करें जस्ट मिनट जो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है चाहे वो ट्रीज़ के रूप में चाहे वो अदर स्पीसीज़ के रूप में बर्ड्स के रूप में एनिमल्स के रूप में तो उन सभी बायोडाइवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में भी फ़ॉरेस्ट की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी जो उसके साथ जो ये एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती हैं इसके अलावा जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको ये सपोर्ट करता है प्रोसेसेस ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें कोई खास इतनी चीज़ें नहीं है सिंपल सी जो मैंने आपको बताई ऊपर वही सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी जो जो कल्चर है सोशल जो हमारे और आपको पता है ट्राइबल्स पीपल भी जंगलों में रहते हैं तो उनका कल्चर उनकी सिविलाइजेशन भी इससे जुड़ी हुई होती है स्पिरिचुअल वैल्यू भी है आपने सुना होगा अगर कि पहले जो लोग हैं आध्यात्मिक अध्यात्म की खोज में जंगलों में निकल जाते थे तो इसकी सोशल कल्चरल स्पिरिचुअल और ये सब वैल्यूज़ भी हैं तो इस रूप से भी फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो so, ये बेसिक सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन uh, का क्या मतलब है और उसके क्या कारण हैं और क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हैं सो डीफॉरेस्टेशन का मतलब भी होता है फ्रेंड्स इट मीनस द परमानेंट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट जो नेचुरल फ़ॉरेस्ट हैं इंडिजीनियस जो फॉरेस्ट है उसको ख़त्म करना काट देना उसको तबाह कर देना ये है डिफॉरेस्टेशन का मतलब और अगर हम बात करें कि एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तकरीबन तो रफली अगर हम देखें ट्वेंटी वन परसेंट जो अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो इंडिजीनियस फॉरेस्ट से कवर है ठीक है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक डाटा दे रखा है कि 2050 तक अगर हम देखें तो काफ़ी जो एरिया है वो डिफॉरेस्टेशन की चपेट में आ जाएगा मीन सिंपल सी है देखो इसमें जो फ्रेंड सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है कि जैसे जैसे लैंड तो फिक्स है ना तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आपको पता है फिर हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर चीज़ें भी उसके साथ साथ फिर डेवलप करनी होती हैं ज़मीन ज़्यादा है नहीं ज़मीन तो उतनी ही है तो होगा क्या कि फॉरेस्ट को फिर आप काटना स्टार्ट कर देते हैं तो यही एक, एक एस्टीमेट है कि अगर हमने आ, अल्टरनेटिव में पेड्स जो हैं ट्री आ, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उगाया तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 2050 तक इंडिया में अगर हम बात करें तो करीबन फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है तो ये एक डाटा के रूप में आप इंडिया की परसेंटेज थोड़ा ध्यान रखें अब आते हैं कि कॉज ऑफ़ डिफॉरेस्टेशन कौन कौन से कारण हैं सबसे पहले है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये तो बेसिक कारण है फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जिस जनसंख्या जिस हिसाब से पूरी दुनिया में बढ़ रही है आज आप देखो खासकर आप दूसरे देशों का छोड़ो मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ आप कोई भी फॉर्म भरो आप ठीक आप ट्रेन में जाओ आप मेट्रो में जाओ इवन आप एयरपोर्ट मीन्स एरोप्लेन से जाओ आप देखेंगे कि पैर रखने को जगह नहीं है हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या हो चुकी है तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है फ्रेंड्स वो हमेशा बहुत बड़ा एक मुसीबत बन के आता है हमारे सामने ठीक है तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डिफॉरेस्टेशन उसी मात्रा में बढ़ता जा रहा है फिर क्योंकि इसी पॉपुलेशन के कारण आप माइनिंग एक्टिविटी करते हो फार्मिंग लैंड जो है आप उसको एक्सपेंड करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने डेवलप करते हो ठीक है इन सब के कारण फिर जंगलों को तो काटा जाता ही है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दूसरा है फॉरेस्ट फायर ये भी फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉरेस्ट फायर की जंगलों में जो है बहुत आग लगती है और इससे क्या होता है कि जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हो जाते हैं ठीक है तो ये फॉरेस्ट फायर एक ऑल्सो बिग प्रॉब्लम है दूसरा अगर हम बात करें कि ग्राजिंग ऑफ एनिमल जैसे होता है क्या है कि जो लाइव स्टॉक लाइफ uh, स्टॉक्स जो होते हैं मीन सिंपल है जो घुमक्कर लोग होते हैं जो चरागाह होते हैं जो अपने एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं जैसे जैसे दूसरी जगह पे अपने एनिमल्स को ले जाएंगे तो उससे ग्राजिंग जो है घास वो सब खत्म होता है और सिंपल सी हम बात करें कि उससे जो फॉरेस्ट सोयल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन होती है क्योंकि ये जो घास है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट को वापस से रीबिल्ड करने में तो ग्राजिंग ऑफ द एनिमल्स इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑल्सो द कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट है पेस्ट अटैक क्या मतलब होता है जैसे जो जंगलों की ट्रीज uh, होते हैं उसमें पत्तियाँ होती हैं उन सब में कोई ऐसे डिजीज लग जाना पेस्ट लग जाना तो उससे भी जो ट्री uh, है वो खराब होता है सो so, ये बहुत सारे कारण हैं पेस्ट अटैक ग्राजिंग ऑफ एनिमल्स skelawa forest fire and population explosion these are the major causes of the deforestation नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले है कि हैबिटेट जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि वेरियस वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स बहुत सारे लोग मींस मीन्स एनिमल्स ऑर्गैनिज्म जंगलों में रहते हैं फॉरेस्ट में तो उससे उनका पूरा जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन में आ जाता है वो खत्म हो जाता है इसके अलावा सोयल इरोजन होता है मीन्स डिफॉरेस्टेशन जितना होगा जितना पेड़ों को काटोगे तो उससे सोयल इरोजन की प्रॉब्लम आएगी ऑक्सीजन जो है उसकी रिडक्शन हो जाएगी सी टू का लेवल बढ़ जाएगा फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हमने देखे बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से उसमें कमी आ जाएगी तो डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इसके अलावा एनिमल माइक्रो माइक्रोबियल जो डाइवर्सिटी है वो सब खत्म होगी फ्यूल जो वुड है हर्बल uh, मेडिसिन उन सब में कमी आएगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के नेक्स्ट है वट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ये हमेशा से फ्रेंड्स दिस इज वेरी डिबेटबल टॉपिक दैट माइनिंग एंड डैम्स आर रियली हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और दे आर अगेंस्ट द क्लाइमेट में से डिबेट अक्सर उठती है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डैम माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं ये और जो मोड मिस देश के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी वो कहते हैं कि डैम हुआ माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो ये हाईली डिबेटेड टॉपिक है जिसको लेके अक्सर आपको दो टाइप वर्ग में लोग मिलेंगे ठीक है कुछ वेरियस एनजीओ जो हैं वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कभी भी कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जैसे अभी आप लेटेस्ट ले लो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाने की जो बात की गई तो उस दौरान भी बहुत सारे हंगामा हुआ और मैं सोशल जो ग्रुप्स हैं एन जी ओज उन्होंने कहा कि नहीं उसे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसे बहुत सारे पेड़ कटेंगे डैम को लेके भी अक्सर ऐसा होता है कि जो अभी आपने देखा होगा गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो फाइट देखने को मिली वो सरदार सरोवर डैम को लेके भी उन्होंने पॉइंट आउट किया मीन्स बीजेपी ने क्रिटिसाइज़ किया कि जब गुजरात में पहले मीन्स काफ़ी साल पहले की बात है मीन्स वहाँ पे जब गवर्नमेंट ये कांग्रेस थी तो उन्होंने सरदार सरोवर डैम का विरोध किया था ठीक है तो उसी चीज़ को लेके वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये जो मैं डैम मीनस में, में बताना ही चाह रहा हूँ कि डैम माइनिंग एक्टिविटीज़ दीज आर द वेरी डिबेटेबल टॉपिक काफ़ी डिबेट वाले टॉपिक है ये तो इसमें हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या सच में पड़ता है नहीं पड़ता है ये सब चीज़ें हैं तो देखो सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स की मिनरल जो बेस्ड इंडस्ट्री हैं जैसे आयरन स्टील एल्यूमिनियम आपको पता है ये कहाँ पर लोकेटेड है तो मिनरल जो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं फ्रेंड्स वो आप ज़्यादातर देखना ये उन एरिया में है लोकेट जहाँ पर फॉरेस्ट है ठीक है ना मीन्स सिंपल सी हम बात करें कि फॉरेस्ट जहाँ पे हैं वहीं पे रिच मिनरल रिसोर्सेज भी हैं अब देखो कितनी बड़ी मुसीबत की बात हो गई कि आप अगर मान लो मिनरल रिसोर्स को निकालेंगे तो जंगल आपको काटने पड़ेंगे ठीक है ना तो ये एक तो सबसे मेन चीज़ दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे मैं इसमें एक डाटा दे रखा है कि एवरेज फॉरेस्ट कवर जैसे किस एरिया में जैसे जो ट्राइबल एरिया मीन्स दो यहाँ पे मेजर जो कॉन्सिक्वेंस हमें समझने होंगे कि एक तो मिनरल्स जो हैं वो फॉरेस्ट वाले एरिया में ही ज़्यादातर मौजूद होते हैं दूसरा जो कारण है वो है ट्राइबल पीपल ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो काफ़ी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे घने फॉरेस्ट होते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने देखा होगा जो फ्लड और ड्रोट आता है मीनस लैंड होती है काफ़ी एरियाज़ में ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होती है और इसके अलावा इकोनॉमिकल जो उसकी वैल्यू है या और जो प्रॉब्लम्स है फिर वो भी देखने को हमें मिलती हैं तो यहाँ पे आपको पहले तो सिंपल ये पॉइंट समझना है कि जो ये माइनिंग हम करते हैं माइनिंग हुआ डैम हुआ नो no डाउट ये कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ये बिल्कुल सच बात है लेकिन दूसरा हमें साथ में ये भी समझना होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नो डाउट हम मिनरल्स तो निकाल लेंगे ही भाई है ना वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं सेम हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे बट यहाँ पे आपको मैं एक प्रेफ्रेंस एक चीज़ बता दूँ ऑलवेज़ फॉलो द मिडल पाथ Miss, आप ना तो ये कहेंगे दैट माइनिंग एंड डैम्स आर अगेंस्ट द डेवलपमेंट आप ये भी नहीं बोल रहे हैं और आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये जो माइनिंग और डैम है ये इम्पैक्ट करते हैं इन्वामेंट को आपकी अप्रोच जो है वो शुड बी मिडल पाथ आप ये कहेंगे कि नो डाउट माइनिंग और डैम जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री बट स्टिल हमें क्या करना होगा मिस गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को मान लो आप किसी एरिया से जब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड या कोई भी आप एक्टिविटी माइनिंग करते हैं तो उतने पर्टिकुलर एरिया का आपको क्या करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल असेसमेंट करना पड़ेगा ठीक है इन्वायरमेंटल आप जब असेसमेंट करेंगे कि उससे कितने पेड़ कट रहे हैं कितने सारी वहाँ पे इन्वायरमेंट को कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद उतने पेड़ या उतना एरिया जो हरा भरा है उसको आप किसी दूसरी जगह पे उसको रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी जो अप्रोच होती है फ्रेंड्स वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्सर ये अपनी जजमेंट्स में बोला है कि इन्वायरमेंट असेसमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सकते सिर्फ इन्वायरमेंट के नाम पे लेकिन इतना भी सच है कि आप इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे तो उसके लिए इन्वायरमेंटल असेसमेंट करो और जितने एरिया को भी आपने नुकसान पहुंचाया है तो उसकी बजाय आप मीन्स कि किसी दूसरे एरिया में उतना ही ट्री प्लांटेशन जो है वो कर दो ठीक है तो फॉलो द मिडिल पाथ आप ध्यान रखना नेक्स्ट है अफेक्ट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट देखो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो उसमें ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको फूड मेडिसिन अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राइबल एरिया पीपल्स को वहाँ पे मिलते हैं और उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो उन्हीं से जुड़ी हुई हो होती हैं फिर दूसरी तरफ जैसे आप डैम बनाते हो माइनिंग करते हो और अदर जो इंडस्ट्रीज़ आप अगर मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ अगर एस्टेबलिश करते हो फॉरेस्ट एरिया में तो उससे जो ट्राइबल पीपल है वो एलिनेट होते हैं मीन अपनी जगह उनको छोड़नी पड़ती है इससे उनकी लाइवलीहुड है वो भी ख़तरे में आती है और दूसरा उनके जो कल्चर और जो उन उन चीजों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है लेकिन यहां पे देखो एक फिर से वही सेम चीज आ गई कि जस्ट अ मिनट अं पे देखो फिर ओ, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि हमारे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एन एक्ट दैट इज द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलर रिकोगेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट टू देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बताया जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आपको एक, एक, एक कोर्ट करते हुए कहा कि इन्वायरमेंट असेसमेंट करिए आप इन्वायरमेंट फ्रेंडशिप असेसमेंट करेंगे तो दोनों चीज़ें देखेंगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और दूसरा उस एरिया में पर्टिकुलर कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है या कोई अदर आस लोग हैं उनके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट है तो दोनों को आपको असेसमेंट करना है और दूसरी चीज़ क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप डेवलपमेंट एक्टिविटी को फ्रेंड्स रोक नहीं सकते आप ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है इन ट्राइबल एरिया को लोगों को नुकसान पहुंच रहा है इसलिए आप वहाँ डैम मत बनाइए आप वहाँ पे रोड मत बनाइए बनाइए आप वहाँ पे मिनरल इंडस्ट्रीज़ सेटअप मत करिए माइनिंग मत करिए आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये असेंशियल है इंडिया हमारी ग्रोथ के लिए लेकिन दोनों चीज़ जो मैंने कहा एक तो मिडल पाथ और दूसरा इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट भी बनाया हुआ है इंडियन पार्लियामेंट ने जिसका नाम है द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स इसका मतलब साफ है कि इस एक्ट के तहत क्या होता है कि ऐसे पर्सन या ऐसे पीपल जो इन एक्टिविटीज़ के कारण अफेक्ट जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट जिनके ऊपर पड़ता है तो उनके राइट्स की बात की गई है इस एक्ट में तो उनको अलग जगह पर प्रॉपर सेट किया जाएगा उनके जो अधिकार्स हैं वो सब सेम उनको दिए जाएंगे ये सारी चीज़ें सरकार जो है वो करती है ठीक है नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज कि आप कौन सा किस तरीके के मैनेजमेंट करेंगे ऐसे कौन से आप तरीके अपनाएंगे जिससे फॉरेस्ट जो रिसोर्स है आप उसको बचा सकते हैं तो सबसे पहले कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स वो है इंक्रीजिंग इन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटेशन बहुत ही सिंपल है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाइए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग जो ट्रीज़ है वो आप करिए आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो तो उससे क्या होगा जो पेड़ अगर आप कहीं पर काटते भी हो तो बदले में आप उससे डबल पेड़ आप लगाइए ठीक है तो ये आप उससे जो फॉरेस्ट है, उसको आप कंजर्व कर सकते हो बचा सकते हो ठीक है कंजर्वेशन में दूसरा है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्स एंड प्रमोटिंग द सब्स्टिट्यूट इसका क्या मतलब है कि आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेथड भी ढूंढिए जैसे फॉर एग्जांपल पेपर आपको आप आप पता है मैन्युफैक्चरिंग पेपर हुआ और अदर बहुत सारे फ़र्नीचर है ऐसी चीज़ें हम जंगलों से ही पेड़ों को काटते हैं तो क्यों ना एक ऐसा अल्टरनेटिव मैकेानिज़म या ऐसी कोई चीज़ें ढूंढी जाएं हमें उस पर रिसर्च किया जाए जिससे हमें पेड़ों को काटना ना पड़े जैसे पेपर के लिए टिंबर के लिए तो कुछ अदर अल्टरनेटिव अगर हम उसकी ओर जाएंगे सोर्सेज की तरफ तो उससे भी हमारे जंगल जो हैं वो ऑटोमेटिक बच जाएंगे हम उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फॉरेस्ट परमानेंटली रिजर्व फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो जैसे टिम्बर आपको पता है बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उसी से लकड़ी जो आज के दिन हर जगह काम आती है आपको पता है है ना तो इसलिए क्या है कुछ ऐसे एरिया को आप रिज़र्व कर दो प्रॉपर जो सिर्फ टिम्बर प्रोडक्शन के लिए हो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा कोई एरिया सेट करो आप उसको मॉनिटर करो उसको वापस से रीजनरेट करो जो सिर्फ टिम्बर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो उससे क्या होगा कि उससे हम पेड़ों को नहीं काटेंगे और ये जो हमने टिम्बर प्रोडक्शन से रिलेटेड अलग से एरिया जो सेट किया या उगाया उसको जो प्रोड हमने रिप्रोड्यूस किया ठीक है ना तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं उसके थ्रू भी हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें ज़रूर है बट स्टिल अगर हम इसकी ओर ध्यान देते हैं तो भी हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं नेक्स्ट है कि प्रॉपर मैनेजमेंट करो एडोप्ट करो ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो है सिल्वी uh, कल्चर का क्या मतलब होता है तो देखो दिस मीन्स दैट सिल्वी कल्चर एंड मैनेजमेंट शुड नॉट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी ठीक है एंड इसमें देखो एक और चीज़ द मैनेजमेंट फॉर द इन्वायरमेंटल सर्विस अलर्न इज नॉट इकोनॉमिकली और सोशली सस्टेनेबल इसका मतलब क्या है कि आपको जो मैनेजमेंट है प्रॉपर मीन्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है एक पर्टिकुलर जो एरिया है या जो मैंने कहा फॉरेस्ट है जैसे उसको अगर आपको कंजर्व करना है तो उसके लिए बेहतर हमें एडोपटेशन मेथड्स चाहिए होंगे और इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना होगा उसी के थ्रू हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ठीक है अच्छा एक और चीज़ फ्रेंड्स ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सिल्वी कल्चर क्या होता है जस्ट अ मिनट ये मेरे दिमाग से एक्चुअली निकल गया है मुझे नहीं पता सिल्वी कल्चर क्या होता है तो हम देख लेते हैं इसको ठीक है छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी चीज़ तो सिल्वी कल्चर अच्छा देखो क्या है सिल्वी कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ द कंट्रोलिंग द ग्रोथ, ग्रोथ कंपोजिशन एंड द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट और इसमें और कह सकते हैं कि सिल्वी कल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ़ द कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड दिस, दिस 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 ठीक है देखो सिंपल सी बात है वापस चलते हैं अभी जो हमने एडोप्शन एंड प्रमोशन की बात की कि फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको हम कौन से ऐसे मेथड अडोप्ट करें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके उसी में ही है सिल्वी कल्चर तो सिल्वी कल्चर का मतलब भी हमने देखो क्या जो देखा यहाँ पर कि कंट्रोल करना मीन्स ग्रोथ कैसे हो रही है उनकी हेल्थ कैसी है क्वालिटी जो पेड़ों की है वो कैसी है इन सब बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है तो ये मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स ठीक है ना तो ये मैनेजमेंट का ये फील्ड ऑफ स्टडी है ये प्रॉपर मीन्स अच्छे से स्टडी करना पेड़ों की उनकी ग्रोथ की उनकी हाइट ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ वाइज तो ये सिल्वीकल्चर जो मेथड है इसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है उससे भी हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को नेक्स्ट है वही प्रॉपर आप रेगुलेट करो मॉनिटरिंग करो इन्फॉर्मेशन जुटाओ प्रॉपर एक डाटा अपने पास रखो कि कितने फॉरेस्ट एरिया हमारे पास हैं कितने एरिया में हमने कटिंग की है तो कितना एरिया में हमें वापस से रीजनरेट करने की ज़रूरत है सो सो वी नीड अ प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड द रेगुलेट मीन्स अदर वेरियस मैकेनिज़्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक है कि आप एग्रो फॉरेस्टी सोशल फॉरेस्ट्री पे ध्यान दो इसका मतलब क्या होता है कि रूरल पीपल जो हैं आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि जहाँ पे जोड़ होता है मंदिर होते हैं वहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि एक लोकल एरिया टाइप ऐसे जनरेट किया जाता है जहाँ पे लोग बाग अपने एनिमल्स को वहाँ पे ले जा सकते हैं इसके अलावा लकड़ी वहाँ से चुग सकते हैं जब पेड़ मान लो पक जाता है लकड़ी टूटने लग जाती है तो उसको आप वहाँ से लकड़ी को उठा सकते हैं तो मीन सिंपल सी बात है कि सोशल फॉरेस्ट मीन्स रूरल पीपल को भी हमें साथ लेके चलना होगा उनको भी ये समझाना होगा कि भाई हमें अपने जो जंगल्स हैं उनको बचाना है और इसके साथ साथ उनको अवेयर भी करना होगा ठीक है इसके अलावा पर्टिकुलर जो राइट हैं अधिकार हैं जैसे आपको पता है अभी क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, इन्वायरमेंट के बहुत सारे उसके अधिकार आ गए हैं बहुत सारे एक्ट भी आ गए हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वो सारे प्रॉपर राइट्स जो हैं और वो मैनेजमेंट करके आ, हम इन सब जंगलों को बचा सकते हैं ठीक है तो ये वेरियस तो इस तरीके के फ्रेंड्स ये मेथड थे और आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा ठीक है बाकी आप एक बार इसको खुद से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी ठीक है सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स खूब सारी मेहनत करें बड़े सपने देखें और हमेशा पॉजिटिव रहें थैंक यू